स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फिल्म फेयर अवार्ड। जी हाँ, 63rd जियो फिल्म फेयर अवार्ड जो कि आपके हुए हैं, जिसमें 2017 में जितनी भी आपकी बॉलीवुड की फिल्में आई थी सभी कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं, जो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं 63rd फिल्म फेयर अवार्ड किस किस को मिला है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में कि फिल्म फेयर अवार्ड्स कब शुरू हुए, पहला फिल्म फेयर अवार्ड कब दिया गया, किसे दिया गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हम आपको बताते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात तो हम करते हैं, जो फिल्म फेयर अवार्ड हैं इनका नाम पहले फिल्म फेयर नहीं था, ठीक है, इसका नाम पहले फिल्म फेयर नहीं था, इसका नाम था क्लेयर अवार्ड्स। क्लेयर अवार्ड्स किसके नाम पे रखा गया था? क्लेयर अवार्ड एडिटर थे टाइम्स ऑफ इंडिया के, जिनका नाम था क्लेयर मेंडोंका। क्लेयर मेंडोंका, इनके नाम पे पहले ये अवार्ड था, जिन्हें अब फिल्म फेयर अवार्ड हम कहते हैं। तो फिल्म फेयर अवार्ड सबसे पहले 1954 में इंट्रोड्यूस हुआ था। पहला जो अवार्ड फंक्शन हुआ था वो हुआ था 21 मार्च 1954 को, कहाँ पर? मेट्रो थिएटर मुंबई के अंदर। तो जो सबसे पहले जो अवार्ड दिए गए थे फिल्म फेयर अवार्ड, वो 5 कैटेगरी में दिए गए थे। सबसे पहली थी बेस्ट मूवी। बेस्ट मूवी उस समय सबसे पहले किसे मिला था? 2 बीघा जमीन को। फिर बेस्ट डायरेक्टर थे जो बिमल रॉय, कौन सी फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी? 2 बीघा जमीन। और बेस्ट एक्टर थे जो मिला था दिलीप कुमार को, उनकी परफॉर्मेंस कौन सी फिल्म में? दाग के लिए। फिर मीना कुमारी, उनकी परफॉर्मेंस बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उन्हें मिला था किसके लिए? बेजू बावरा के लिए। और नुशाद अली को म्यूज़िक का अवार्ड मिला था, कौन सी फिल्म के लिए? बेजू बावरा के लिए। तो ये वो 5 कैटेगरी थी जिसमें पहला आपका फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। आप जानते हैं ये जो ब्लैक लेडी है यहाँ पर आप देख रहे हो, क्या आप जानते हैं इसका डिज़ाइन किसने बनाया था? देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसका डिज़ाइन बनाया था एनजी पंसारे ने। ये ध्यान रखना आप, एनजी पंसारे ने इसका डिज़ाइन बनाया था। किसकी सुपरविज़न में? उस समय जो डायरेक्टर थे टाइम्स ऑफ इंडिया के, वॉल्टर लैंगेमर की सुपरविज़न में इन्होंने ये डिज़ाइन किया था, ये मूर्ति। और अब इस मूर्ति को कौन बनाता है? आप जानते हैं बहुत सारी मूर्तियां दी जाती हैं फिल्म फेयर अवार्ड में। अब इस मूर्ति को बनाता है जो अवध गैलरी है, वो सन 2000 से इन मूर्तियों को बना रहा है, इस अवार्ड को बना रहा है, इस ब्लैक लेडी को बना रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे फिल्म फेयर अवार्ड से जुड़े हुए। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं 63rd फिल्म फेयर अवार्ड जिसे जियो ने स्पॉन्सर किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कब हुए जियो फिल्म फेयर अवार्ड। ये हुए आपके 20 जनवरी 2018 को, कहाँ पर? NSCI डोम वॉर्ली मुंबई के अंदर। होस्ट कौन कौन थे इस अवार्ड शो के? होस्ट किया था शाहरुख खान तथा करण जौहर ने। तो अब हम अवार्ड लिस्ट के बारे में देख लेते हैं, अवार्ड लिस्ट पर हम नज़र डाल लेते हैं। देखिए ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके SSC के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंकिंग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका CHSL का एग्ज़ाम आने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ट फिल्म। बेस्ट फिल्म जो गई है वो है हिंदी मीडियम, काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है जिसमें इमरान खान और सबा कुमार लीडिंग रोल में हैं, ठीक है, कि कैसे वो अपनी बेटी का एडमिशन पाने के लिए एक स्कूल में, दिल्ली का एक स्कूल होता है उसमें वो अपनी बेटी का एडमिशन करवाना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है। तो जब इनका इंटरव्यू होता है, ठीक है, तो उसमें ये इंग्लिश नहीं बोल पाते, जिसकी वजह से इनकी बेटी का एडमिशन जो होता है उस स्कूल में नहीं हो पाता, ठीक है। तो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, सारी तो मैं आपको नहीं बताऊँगा, यदि आप मूवी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है हिंदी मीडियम, जिसके राइटर हैं जीनत लखानी और जिसे डायरेक्ट किया है साकेत चौधरी ने। जो फिल्म रिलीज़ हुई थी वो रिलीज़ हुई थी 19 मई 2017 को और इसने जो कमाई की थी बॉक्स ऑफिस पर $16 मिलियन की इस मूवी ने कमाई की थी। सो बेस्ट हिंदी फिल्म, सॉरी बेस्ट फिल्म है आपकी हिंदी मीडियम। नेक्स्ट है आपका बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल। बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल का मिला है इरफान खान को, कौन सी मूवी के लिए? हिंदी मीडियम में।
लीडिंग रोल प्ले करने के लिए। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड अब की बार मिला है इरफान खान को, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म, ये इंपॉर्टेंट है भाई। क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म मिला है न्यूटन फिल्म को, बहुत ही जबरदस्त फिल्म है न्यूटन, जिसमें लीडिंग रोल में है राजकुमार राव। देखिए राजकुमार राव को इस फिल्म के लिए, ठीक है, एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड भी मिल चुका है। इस फिल्म की परफॉर्मेंस में उनको एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। फिल्म का बजट था 9 करोड़ रुपए और फिल्म ने कमाई की थी 31.65 करोड़ रुपए की। यह फिल्म थी जो ये नॉमिनेट हुई थी 63rd फिल्म फेयर अवार्ड में 8 बार। जी हाँ, 8 नॉमिनेशन हुए थे इस फिल्म के, तरह तरह की कैटेगरी के नॉमिनेशन हुए थे। और न्यूटन को वर्ल्ड प्रीमियर पर भी दिखाया गया था, 67th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था वहाँ पर। लीडिंग रोल इसमें है किसका है, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अंजलि पाटिल और रघुवीर यादव का। इसको को रिटन और डायरेक्ट किया है अमित वी मासूरकर। नेक्स्ट है आपका बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल फीमेल, एक ही बात, एक्ट्रेस बोल लो या फिर एक्टर फीमेल बोल लो, तो ये अवार्ड गया है विद्या बालन को। कौन सी फिल्म के लिए, तुम्हारी सल्लू के लिए, तुम्हारी सुल्लू के लिए। ये फिल्म, बजट इसका 17 करोड़ था, कमाई इसने 50.76 करोड़ रुपए की है। डायरेक्टर हैं जो इस फिल्म के, वो हैं सुरेश त्रिवेणी। नेक्स्ट है आपका क्रिटिक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मेल, क्रिटिक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मेल मिला है राजकुमार राव को फिल्म ट्रैप्ड के लिए। बहुत ही जबरदस्त फिल्म है कि कैसे एक कॉल सेंटर में काम करने वाला एम्प्लॉय एक फ्लैट खरीदता है जल्दी जल्दी में उसके जो लवर होती है उससे शादी करने के लिए, और कैसे वह अपने आप को उसके अंदर फंस जाता है उस फ्लैट के अंदर, वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना खाने पानी के, बिल्कुल मतलब कि खाली होता है फ्लैट, बिल्कुल ही खाली, उसके अंदर वो ट्रैप हो जाता है। कैसे वो उसके अंदर सर्वाइव करता है कॉकरोच खाकर, कबूतर खाकर, बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है यदि आप इसको देखोगे तो। इसमें लीडिंग रोल में थे राजकुमार राव, इस फिल्म के लिए उनको मिला है बेस्ट क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मेल राजकुमार राव को। राजकुमार राव का इस मूवी में नाम है शौर्य, और उनकी जो लवर है गीतांजलि थापा, उसका नाम है नूरी, ठीक है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विक्रमादित्य मोटवानी ने, और किसके साथ प्रोड्यूस किया है, को प्रोड्यूस विद अनुराग कश्यप, विकास बहल एंड मधु मेंटेना। और जो फिल्म का बैनर है वो कौन है, फैंटम फिल्म्स। नेक्स्ट है आपका क्रिटिक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फीमेल, बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड मिला है जायरा वसीम को। कौन सी फिल्म के लिए, सीक्रेट सुपर स्टार के लिए। सीक्रेट सुपर स्टार भी एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है, फोर्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। और एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट इस फिल्म की है कि ये लो बजट की फिल्म थी, टोटल 15 करोड़ रुपये इस मूवी का बजट था, और आप देखिए इसने कमाई कितनी की है बॉक्स ऑफिस पर, 323.29 करोड़ रुपये। तो फोर्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी ये, और ऐसी लो बजट की फिल्म थी आज तक की जिसने सबसे ज़्यादा कमाई की है। सीक्रेट सुपरस्टार रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अद्वैत चंदन एंड प्रोड्यूस्ड बाय आमिर खान एंड किरण राव। और इस मूवी के लिए जो जैरा वसीम है उनको नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट भी मिल चुका है। 10 नॉमिनेशन हुए थे इस मूवी के 63rd फिल्म फेयर अवार्ड में। इसने 3 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं, जिसमें से एक तो है आपका बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का फॉर वासिम के लिए, और एक बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर विज के लिए, और विज को मिला है, और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल जो कि मिला है मेघना मिश्रा को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है अश्विनी अय्यर तिवारी को। जी हाँ, अश्विनी अय्यर तिवारी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। कौन सी मूवी के लिए, बरेली की बर्फी के लिए। कौन कौन है इसमें लीडिंग रोल में, आयुष्मान खुराना, कीर्ति सैनन और राजकुमार राव। इस मूवी के लिए
राजकुमार राव को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का भी अवार्ड मिला है, ये भी ध्यान रखना। 63rd फिल्म फेयर अवार्ड की मैं बात कर रहा हूँ। इस मूवी के टोटल 8 नॉमिनेशन हुए थे 63rd फिल्म फेयर अवार्ड में, तरह तरह की कैटेगरी में। एक इंडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। बेस्ट डायरेक्टर अश्विनी अय्यर तिवारी फॉर बरेली की बर्फी। मूवी का बजट था 20 करोड़ रुपए, कमाई इसने की थी 51.75 करोड़ रुपए। अब बात कर लेते हैं बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल फीमेल। मेल किसको मिला है? राजकुमार राव को फिल्म बरेली की बर्फी के लिए। और फीमेल का अवार्ड मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का, वो मिला है मेहर विज। कौन सी मूवी के लिए? सीक्रेट सुपर स्टार के लिए। अभी हमने पीछे भी आपको बताया था, तो सीक्रेट सुपरस्टार मूवी के लिए इनको मिला है बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल मेहर विज। बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी। बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी का अवार्ड मिला है अमित मसूरकर। कौन सी फिल्म के लिए? न्यूटन फिल्म के लिए। कौन सी फिल्म के लिए? न्यूटन फिल्म के लिए। अमित वी मसूरकर जो कि एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं। नेक्स्ट है आपका बेस्ट एक्टर मेल इन शॉर्ट फिल्म। बेस्ट एक्टर इन मेल शॉर्ट फिल्म की बात यहां पर हो रही है, उसमें मिला है अवार्ड जैकी श्रॉफ को। कौन सी मूवी के लिए? खुजली मूवी के लिए। जी हाँ, खुजली मूवी के लिए बेस्ट एक्टर इन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है जैकी श्रॉफ को। और बेस्ट एक्टर फीमेल इन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है शेफाली शाह को फॉर मूवी जूस के लिए। जो खुजली मूवी है वो इनिशियली रिलीज जो उसकी हुई थी 31 मार्च 2017 को। डायरेक्टर हैं इसके सोनम नायर और स्क्रीन प्ले सोनम नायर। प्रोड्यूसर्स हैं इसके चिंतन रूपारली और अनुज गोसालिया। और जो जूस मूवी है उसके डायरेक्टर हैं नीरज घैवान। राइटर हैं उसके रंजन चंदेल और नीरज घैवान। नेक्स्ट है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चांसेस इसके ज़्यादा हैं आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जाने के। अब की बार के जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो मिला है माला सिन्हा तथा बप्पी लहरी को। जी हाँ, माला सिन्हा और बप्पी लहरी को। माला सिन्हा अपने समय की बहुत ही फेमस हीरोइन जो कि 1950 1960 और अर्ली 70 का इनका एक सुनहरा दौर था हिंदी सिनेमा के अंदर। इन्होंने जो फेमस मूवी दी हैं अपने करियर के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यासा, अनपढ़, दिल तेरा दीवाना, गुमराह, बहुरानी। ये जो है इनके करियर की बेस्ट फिल्म्स हैं। माला सिन्हा जिनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1936 को। नेक्स्ट है आपका पीपल चॉइस अवार्ड फॉर बेस्ट शॉर्ट फिल्म। पीपल चॉइस अवार्ड फॉर बेस्ट शॉर्ट फिल्म मिला है अनाहूत को, अनाहूत। और बेस्ट शॉर्ट फिल्म फिक्शन, फिक्शन कैटेगरी में किसको मिला है? जूस को। बेस्ट शॉर्ट फिल्म नॉन फिक्शन किसको मिला है? इनविजिबल विंग्स, इसको नोट कर लीजिएगा, इनविजिबल विंग्स। बेस्ट म्यूजिक एल्बम, बेस्ट म्यूजिक एल्बम गई है जग्गा जासूस की, जो किसने कंपोज की थी? प्रीतम ने। तो उनको मिला है बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड मिला है अरिजीत सिंह को। अरिजीत सिंह जो कि एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं, आवाज़ इनकी बहुत बहुत सुरीली है। एंड कौन से सॉन्ग के लिए इनको मिला है? रोके ना रुके नैना, बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म का ये गाना है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल कैटेगरी मिला है मेघना मिश्रा। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं मेघना मिश्रा की। गाना था नचदी फिरा, कौन सी फिल्म का? सीक्रेट सुपरस्टार का। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल अरिजीत सिंह, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल मेघना मिश्रा। तो यहाँ पर कुछ और अदर अवार्ड हैं, जैसे कि बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड है विजय गांगुली एंड रोयल दोसान वेरदानी फॉर गलती से मिस्टेक, जग्गा जासूस जो गाना है गलती से मिस्टेक, उसके लिए इनको बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला है। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का अवार्ड मिला है प्रीतम फॉर जग्गा जासूस। बेस्ट एक्शन का अवार्ड मिला है टॉम स्ट्रथर फॉर टाइगर जिंदा है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला है शेरशाह रे फॉर अ डेथ इन द गुंज। और बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड मिला है नितिन बेड फॉर ट्रैप्ड। और बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन का अवार्ड मिला है पारुल सोंद फॉर डैडी। तो ये थे आपके लिस्ट इम्पॉर्टेंट जो फिल्म फेयर अवार्ड थे, 63rd फिल्म फेयर अवार्ड थे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ है
उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो की PDF। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।